अभी तक वह खड़ा भैया रात भर वह खड़ा रहेगा। देखा धनी के नाराजगी जायज बा, धनी की गुस्सा भी, हम भी हालात से अभी उभरल नहीं की, हमरो अंदर क्रोध बा, लेकिन ओकर मतलब ई ना भइल ना कि ओकरा के द्वारी पे खड़ा रखल जाओ। अब हमनी के थोड़ा सोचे के चाहिए कि कैसे दिन रात हुए बाहर खड़ा रही। जब तक ओकर मन करी तब तक हमनी से कौनो पूछ के खड़ा बाड़ी का, अगर ज्यादा परेशानी बा तो चल जा अपने घर ही, हमनी कौन है उनके गोड़ में जंजीर बांधने वाली। देखा जा अगर वो अपन घर नहीं खे जात तो हमनी के जबरदस्ती ओकरा के नहीं भेज सकत ना, लेकिन हाँ अगर कुछ देर और ही द्वारी पे खड़ा रही तो पूरा मोहल्ला टोला के लोग यहाँ के जमा हो जाए और तमाशा खड़ा कर दिया हमनी के द्वारी पर। भैया पहले से कौनो कम तमाशा भइल बा का? हम सब समझता नहीं, लेकिन धनियों को समझे की कोशिश कर। ऐसे द्वारी पे खड़ा रही अगर मान लो कि तबीयत उबियत खराब हो जाए तो फिर का हुई? नया दुल्हन बड़ी, उनका लगे कपड़ा लत्ता घना जेवर हुई, कोनो चोर चक्का ओकरा असहाय देखी और आके छीन झपट कर ली तो ओकर इल्जाम तो हमने के ऊपर आई ना। तो वो पूरा समाज के सामने अपना नैया से विदा हो गई बड़ी और अभी अपना ससुराल में माने कि हमनी के घर में बड़ी, अगर कुछ भी होता ओकरा साथे तो सब कुछ तो हमनी के माथे पे आई। देखो हमनी के इज्जत प्रतिष्ठा और संस्कार वाला आदमी बानी सन, ऐसे हमारे मानन लोगिन तब जाकर के अंदर ले आओ लोगे। अब बुला के समझाओ, हो सकता धनी की बात मान जाए और चुपचाप यहां से चल जाए। इतना भोरे बस तुरंत आ रहा हूं। का कहता रुबीता, हमरा हिसाब से भैया एकदम ठीक कहत रहले हैं। अगर ये अनचाही दुल्हन के कुछ भी हो जाए तो ओकर सारा इल्जाम हमनी के सर पर आ जाए। तो कहे की का चाहत कि हमनी जाके ओकर आरती उतारी? देखा हर समय ताकत का जोर ही ना चलेला, कबो कबो दिमाग भी लगा लेवे के चाहिए। अरे हम तो कालो कहत रहनी तहनी से ई महारानी के अंदर ले लेवे के चाहिए और इनका के इतना परेशान करे के चाहिए कि खुद ब खुद एज से भाग जाए। और वैसे भी दीदी हमने के अपना घर में काम करे खातिर कोनो ढंग का नौकरानी ना ना मिलत रहे, बस अब यह समझला कि ई तलाश खत्म हो गई। हमनी इनका के कोल्हों के बैल जैसन काम में जोत देवे के, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन से लेके चारों टाइम का खाना नाश्ता तक सब और हर काम में कोनो न कोनो मीन मेक निकाल के चार को गारी। बस हम कहत रहनी ना
कि खुद ब खुद चार दिन में एजे से अपना मुड़ी पर घोट धक्के एजे से भाग जाए। हाँ तो ठीक बा रीता रिमझिम, एगो काम करा, भीतर ले आवा ऊ महारानी के। चला महारानी, अब चल के मन भर बैठ के हमरे छाती पे मूंग धरा, चला। अपनी मनहूस चेहरा लेकर के हमने के घर में मनहूसियत फैलावा, चला। अब ऐसे हाथ खाली कहके कैसे जाता रू? इतना हर सामान ले जाए खाते कोनो नौकर रही का? मारी रहलू हा तपन बाप से कह के एगो नौकरानी भी मंगवा ली तू, उहे तहारी कुल सामान उठा के लेके जाई। अब फटाफट सामान उठाओ, चला। अरे भाई साहब एक मिनट सुनिए ना। जी बोली। काले इजे रहे वाले अजीत बाबू के बिहार भइल बा, सुनिए उनकर बिहार गलत तरीके से भइल बा, ऐसे ही लोग दुल्हन के घर से बाहर निकाल दिया ला। बात सच बका? अरे ना महाराज, दुल्हन तो घर के भीतर गई, हम अपनी आंखें देखनी हा
रीता और रिमझिम उनका का लेके घर के भीतर गई ना लोग। धन्यवाद। बाबूजी, हम रोहिणी के आभार व्यक्त करके चाहते नहीं। हम अजीत भैया के ब्याह में ना जाए के चाहते रहिए। रोहिणी इतना जोर देनी, ऐसे हम अजीत भैया के ब्याह में गई नहीं। अगर रोहिणी सब जोर ना देती तो हम अजीत भैया के ब्याह में ना जाती। ऐसे हम रोहिणी दोनों के आभार व्यक्त करते नहीं। लेकिन तोहरा गैला से भी कौन फायदा भइल? ओहिजा तो सब गड़बड़ हो गई। ऐसने जगह पे तो हमनी ना जाती तो उहे अच्छा रहे। वो चंडेलिया कुमुद सबनी के आंख में धूल झोंक करके अपन करिया बेटी अजीतवा के गला में बांध देला से। ए माई, भाई जो अजीत भैया के बिया विभा के साथ भइल बा ना, ओकर में सारा जिम्मेदारी कुमुद जी के नहीं है। ओकरा में थोड़ा बहुत भागीदारी हमरो है। जो अदला बदली के जो खेल भइल बा, ओकरा में कुछ हाथ हमरो रहे। एकर मतलब ई कि तू पहले से जाना था ना कि अजीत के बिया दूसर लड़की से होत रहे। हाँ भाई, हम जानबूझ के सुधा के पूजा पहुंचे ना दी। सुधा ऐजा मारी तो फिर दुल्हन के रूप में बरमाला के घर हो रहा बा। आज सुधा के स्थान पे विवाह के ब्याह आज अजीत बाबू से हो रहा।
और ये बात तो पता नहीं के। और अगर सुधा यहां चल आई लो तो हमर बनल बनायल खेल बिगड़ जब तहन जा जा उस सड़क पर ध्यान दा। के जानबूझ के छत पर बांध देले रहे छत पर बांध देले रहे छत पर बांध देले रहे आई सारा खेला आई सारा भगवान के चमत्कार मान के चमत्कार मन ही मन सोचत रहे कि कुमुद जी और ललन जी के काम एकदम सफलतापूर्वक हो जाए हम तो सोचत रहे अजीत भैया के ब्याह विभा के साथ आराम से कैसे कि सुधा हमरा पसंद बड़ी और उनकरा ब्याह हम अजीत भैया के साथ होत नहीं कि देख का अब ऐसे घूर के काहे देखत तारू हमरा के हमको ना अजूबा बात कह रहल बानी का अरे ये बात तो तनियो निम्मन से जानत अरु कि भैया का दिल बहुत नेक और वो बहुत ही भावुक इंसान हुआ वो अपना सामने जानवर तक के तकलीफ में ना देख सके ने और ये तो इंसान है ही वो अपना सामने एक काली माई के दुख में ना देख पाए उनका दिल पसस जाए ऐसे चला पहले भैया के बाहर भेजल जाए और ओकरा बाद हमने आपन ई कार्यक्रम के शुरुआत कर जाए लेकिन पहले ई तो बतावा दीदी कि हमने के कई का जाई अब एकरा में करे के क्या बा रवनी सबको तो पता ही बा कि हम सुधा से कितना प्यार करीला और एकरा में सोना पे सुहागा तो ई बा कि रवनी सबके कुमुद जी से हर ठेऊना बनेला तो जाके रवनी हमारा उस सुधा के रिश्ता के बात कर रहे दिमाग खराब हो गए बा तोहार अरे काहे जानबूझ के कुआं में कूदे जाता रहा अरे तू ओकर बेटी सुधा बहुते तेज तरार और बदतमीज लेके बिया वो अपना आगे केहू के कुछ ना समझे ले ओकरा आगे सारा धन बाईस पसेरी बा और बेटी से भी बढ़कर बा ओकर महतारी एक नंबर के जालसाज और धोखेबाज औरत बा अब तू ही बता ओकनी से रिश्ता कैसे कह जाए रिमझिम जाके कह दे इनका के ई घर में खैरात नहीं खे बटाट अगर ई घर में रहे के बा तो काम भी करे के पड़ी जी हम सब काम करे खातिर तैयार बानी तब महारानी जैसन का खड़ी बाड़ू हाँ जा फटाफट काम पे लग जा अब तोहरा खातिर का आरती उतारे के पड़ी हाँ चला अब घर के सारा बर्तन मांज के चमचमा दा